कि आप देख रहे हैं जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शानदाना गुलजार खान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आपका डायरेक्ट नाम लेके नहीं कहा कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं। बिल्कुल जी, जब तक जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हम जैसे लोग भी जो ना मालदार हैं ना ख़ानदानी सियासतदान हैं, अगर हम भी पीछे हटेंगे तो हमारे बेचारे जो वर्कर्स इस वक्त जेलें खा रहे हैं, जेलों की सजाएं खा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। और छोटा सा एक इसमें और बात कर दूँ कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कुछ ख़वातीन से बात की कि जितनी भी हमारी पी टी आई की ख़वातीन साहिब मलिका बुखारी थी या शरीन साहिबा थी या मसरत, अगर आप कहते हैं तकरीर में वो बार बार ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे हैं, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ हूँ। सो जब आपके बच्चों पे या आपके वालदैन पे या आपके हस्बैंड पे या आपकी फैमिली पे ये लोग जिस किस्म की बर्बरियत जुर्म कर रहे हैं, जो हमें कहानियाँ सुनने में आ रही हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है, उनके साथ जो किया जा रहा है, नामालूम खुद साथ आ रहे घर से उठा के लेके जा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अगर पीटीआई से वो चली भी जाए मैं उनको नकारात की नज़र से नहीं देखती, क्योंकि मलिका ने अपने लिए सियासत ज्वाइन की थी, इसलिए तो नहीं की थी कि उसका बेटा भी ज्वाइन करे, उसका खावन भी करे, उसकी माँ भी करे, उसकी बहन भी करे। तो ये जिस किस्म के ये ड्रामे हो रहे हैं कि जी अगर हम लोगों को डरा देंगे धमका देंगे पीटीआई छोड़ जाएंगे, वोट तो सारा इमरान खान का है। आप जितना डराएं धमकाएं वोट खान साहब का है। और वो तो कल से भी कितनी वीडियो चल रही है टिकटॉक पे भी कि आप खंबे को भी सीट देंगे पीटीआई तो खान साहब का मतलब जो सीट उसको देंगे तो वो जीत जाएगा। तो इसलिए मेरा रहना पीटीआई में ना रहना, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ कि अपने मुल्क से जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान, कि मैं उसके साथ अपनी हुबुलवती प्रूव करूँ, क्योंकि जो इस वक्त हमारी प्रिजन्स में हो रहा है हमारी ख़वातीन के साथ, इससे सिर्फ मोदी सरकार की खुशी हो सकती है कि जिस तरह मुसलमान औरतों को जेलों में, जेलों से बाहर जिस तरह बेहरमत की बेइज्जती हो रही है, ये कोई ना मुसलमान करवा सकता है ना इसका कोई मुसलमान खुश हो सकता है। अच्छा, अभी आपने वर्कर्स की बात की जो रहनुमा छोड़ कर जा रहे हैं, जाकर उनकी फैमिली है वो हमारे एडवोकेट सलमान में लाहौर पेशावर में हमारी टीम से हमारे सब वर्कर्स को छुड़ाया जा रहा है, लेकिन वर्कर्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट सिर्फ पीटीआई के या जो अहदेदार हैं या जो MNMP है उनसे कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बस कल आप शायद देखो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट तंग आ गया तो हमारी फातिमा चौधरी से कहते हैं कि मैडम खुदा का वास्ते जो आपको स्क्रिप्ट किया जा रहा है कुछ उसको अपनी तरफ से भी ऐड कर रहे हैं। हर बंदा यही कह रहा है जी 9 मई को कंडेम करती हूँ, सब कर दे कंडेम करते हैं 9 मई को, क्यों जलाओ घेराओ पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस का किया जाए, वो तो मेरे और आपके पैसों से खरीदे जाते हैं, किसी और के पैसों से तो नहीं खरीदे जाते। अच्छा। कौन कहेगा जी जी बताइए, मैं सिर्फ बात करूँ कि कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ कि कोर कमांडर हाउस पर अटैक हुआ, वो भी पाकिस्तानी टैक्स पेयर से इसकी सारी अब ठीक होती है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ कि पेशावर रेडियो स्टेशन पर अटैक हुआ, हम तो चाहते हैं कि GIT हो, हम चाहते हैं इसके सवाल पूछे। इसके साथ क्या रवैया है, इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है आप तक? देखिए इसमें छुपाने की क्या बात है, तीन मोटी मोटी बातें मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करूँगी। पहले तो अफजल शाह को देखते हैं, वो तो जेल में नहीं था, वो तो हवालात में, उसका मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि उस बेचारा उनको जो उसके थे जालिम मर्दू जो उसको मार रहे थे इनके ऑर्डर्स पे PDM के ऑर्डर्स पे, तो उनको पता नहीं था स्पेशल चाइल्ड के, तो उसको से कहे उसको भी यही कहे तुम कहो कि इमरान खुश हो रहा है, तुम कहो कि इमरान खान हो रहा है, वो बेचारा और थे इमरान खान जिंदा बात थी, वो तो स्पेशल चार्ज था, उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। फिर मरियम के बाद में ऑडियो आती है मरियम नवाज की मरूम की के उसके ऊपर गाड़ी चला देती, यूँ लगे कि PTI ने खुद मारा है, जब उसके बेटे बच्चे के बारे में कोई कहेगा ना फिर पता चलेगा, अब तक तो वो किसी और के बेटे के बारे में कहा है। ये वक्त वक्त की बातें जोर निकल जाता है, बट एनी वे ये तो एक बात हुई कि जो आप सबको पता है। दूसरा जो हमारे वर्कर्स हैं, मेरे एक पेशावर का वर्कर है उसकी टांगें छिल गई हैं मार खा खा के, उसका सिर्फ ये गुनाह था कि उसका जो MPA था वो डिफेक्ट कर गया PTI से और वो उसने कहा मैंने डिफेक्ट नहीं करना, तो उसके अपने MPA ने पकड़वाया और इतनी मार कुटाई की अफोर्ड नहीं सकते। तीसरा एक हमारे यंग वर्कर है पेशावर का, उसकी बॉडी पे सारे सिगरेट बर्न हैं, वो कह रहे हैं कि उसको टॉर्चर कह रहे थे, बार बार कह रहे थे ये कहो कि इमरान खान मिलता था, तो ये तो हालात कर रहे हैं। मतलब औरतों का हमें यह पता चला है कि सी क्लास प्रिजन इनको दिया हुआ है, और जो मैं सुन रही हूँ मुझे डायरेक्ट तरीका से बात नहीं हुई अब तक, आयशा भुट्टा हमारी बेल पे है, मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, आलिया हमसा बिल्कुल गायब है, डॉक्टर यास्मीन राशिद माशाल्लाह बहुत बहादुरें निकलती हैं, सबको सी क्लास, वो एक कैंसर सर्वाइवर है, सी क्लास प्रिजन दिया हुआ है, उनको तोड़ने की कोशिश करें कि तुम आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अब जिनको तोड़ा है नेचुरली उनके औलाद को या कुछ किया होगा या उनके औलाद को ले गए होंगे, उनकी माओ को या बेटियों को या
क्योंकि जिस किस्म की थ्रेट्स दे रहे हैं वो लोग, जो सुनने में आ रहा है, अब मैं नाम नहीं लूँगी कि मैंने कहा उस बेचारे को तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे उसने पिक्चर्स भेजी अपनी तीन खूबसूरत मिसेज की, और वो बेचारे सब पाकिस्तान में है भी नहीं, तो वो कहता है कि मेरी मिसेज हैं तीनों, मुझे पिक्चर्स आ रही बाहर मुल्क में, कि इन तीनों को हम उठवा लेंगे, एक सेकेंड का काम है, और तुम तो वो भी मतलब गरीब खानदान से, तो तुम्हारी मिसेज को उठवाना क्या मुश्किल काम है, तो जल्दी करो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। उसमें कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इरफान मलिक मेरा दोस्त है, वो डाटा साइंटिस्ट है, और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार बहरोज सब्जवारी की भी आ गई है बारी, माफी मांग ली मगर बच ना सके। मलिका ने अपने लिए सियासत ज्वाइन की थी इसलिए तो नहीं, क्योंकि उसका बेटा भी शंकर था, उसकी माँ भी तो उसकी